नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्या क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के बारे में। सितंबर 2024 में तीन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्यदेव 16 सितंबर को सिंह राशि को छोड़कर के कन्या राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्रदेव 18 सितंबर को कन्या राशि को छोड़कर के अपनी राशि तुला राशि में गोचर करेंगे। बुध देव सितंबर के महीने में दो बार राशि परिवर्तन करेंगे, 4 सितंबर को सिंह राशि में आ जाएंगे और 23 सितंबर को ये आ जाएंगे अपनी स्वयं की राशि कन्या राशि में। केतु जो है कन्या राशि में ही गोचर करेंगे, शनि कुंभ राशि में पंचम भाव में वक्री अवस्था में, राहु मीन राशि में छठे भाव में, गुरु अष्टम भाव में वृषभ राशि में, मंगल पूरे महीने भाग्य भाव में रहने वाले हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे कौन कौन से क्षेत्रों पर पड़ने वाला है, क्या लाभ होगा और क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं और तुला लग्न के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव 1 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक ये 12वें भाव में गोचर करेंगे कन्या राशि में, जो कि अच्छे नहीं माने जाते हैं। यहाँ पर नीच राशि में गोचर करेंगे। हालांकि विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन फिर भी इस राजयोग का कोई विशेष फल देखने को नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सतर्क रहना है, सावधानी रखना है, खान पान पर ध्यान रखना है। यूरिन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज आपकी बढ़ सकती है जिन लोगों को है। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो पेट से जुड़ी हुई समस्याएं भी देखने को मिल सकती है और स्त्रियों के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं, पत्नी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं या अन्य स्त्रियों के साथ भी जो है कहीं ना कहीं जो है मन अशांत हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बनती है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना है, स्वास्थ्य जो है आपका 18 सितंबर तक पूर्ण रूप से साथ नहीं देगा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सर्दी जुकाम कफ वाली प्रॉब्लम में जो है बढ़ सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। शुक्रदेव अष्टम भाव के भी मालिक हैं, हालांकि ये विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ससुराल पक्ष के संबंधों में भी थोड़ा आपको कंप्रोमाइज करके चलना चाहिए। छोटी मोटी परेशानियां भी होंगी, व्याधियां भी आएंगी, तो यहाँ पर भी थोड़ा कंप्रोमाइज करके आपको चलना है। धन के बारे में यदि हम बात करें तो धन के मालिक मंगल देव हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, मतलब भाग्य से धन आने का काम यहाँ पर करेगा। यहाँ पर धन की स्थिति बढ़िया है, कुटुंब परिवार की स्थिति भी आपकी बढ़िया रहेगी, व्यापारी की स्थिति भी आपकी बढ़िया रहने वाली है, व्यापार आपका अच्छा चलेगा और दैनिक आय में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप या फिर वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, लेकिन थोड़ा कंप्रोमाइज आपको यहाँ पर करना है। मंगल भाग्य भाव में विराजमान है तो भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है, लेकिन वाणी पर आपको थोड़ा फोकस करना है, ध्यान रखना है, कटु वाणी का प्रयोग ना करें। बात करें गुरुदेव के बारे में, जो कि तीसरे भाव के मालिक हैं, छठे भाव के मालिक हैं, विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव में गुरु जो है आध्यात्मिक बनाते हैं, समाज सेवी बनाते हैं, धर्म कर्म में रुचि जागृत करते हैं, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, रोग ऋण और शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे, अचानक धन की प्राप्ति होगी, अचानक धन देने का काम भी करेंगे। गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, सपोर्ट करने का काम करेंगे। बात करें शनि देव के बारे में, जो कि पंचम भाव के मालिक है, चौथे भाव के मालिक है, वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, प्लाट खरीदना चाहते हैं, मकान बनवाना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं तो समय आपके लिए बढ़िया है। वही विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया है, लव लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, संतान के लिए समय जो है बढ़िया रहने वाला है। शनि आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, शनि की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है। इसके बाद बात करें हम राहु देव के बारे में, जो कि छठे भाव में विराजमान है। राहु की स्थिति छठे भाव में अच्छी मानी जाती है,
रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, शत्रुओं को पूरी तरह परास्त करने का काम करेंगे, कोर्ट कचहरी के मामले में भी लाभ देने का काम करेंगे, देश विदेश की यात्राओं से भी लाभ देने का काम करेंगे। तो राहु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, राहु आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। इसके बाद बात करें बुध देव के बारे में, जो कि आपके कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य के मालिक हैं, विदेश के मालिक हैं। बुध कैरियर के भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन ये रहेंगे 4 सितंबर तक। 4 सितंबर तक की स्थिति बढ़िया है, उसके बाद 23 सितंबर तक लाभ भाव में रहेंगे, यहां पर भी बहुत अच्छी स्थिति है, कैरियर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे स्वयं का काम कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, पूरे महीने आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी, क्योंकि 23 सितंबर को ये अपनी राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, मतलब पूरा महीना आपके लिए कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। व्यापारिक स्थिति भी आपकी बढ़िया रहने वाली है, बुद्धि भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, और यहाँ पर सपोर्ट आपको मिलेगा क्या कार्य क्षेत्र पर, कैरियर पर। इसके बाद यदि हम बात करें सूर्यदेव के बारे में, जो कि सूर्यदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, सिंह राशि में, बहुत अच्छी स्थिति है सरकारी नौकरी वालों के लिए, राजनीति वालों के लिए, या फिर ठेकेदारी या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य के लिए। सूर्यदेव की स्थिति 16 सितंबर तक बहुत अच्छी है, 16 सितंबर तक पूरा सपोर्ट मिलने वाला है, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि हो सकती है, ये एक बेहतर स्थिति है। लेकिन 16 सितंबर को जब 12वें भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर ये अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखना है, पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और कंप्रोमाइज करके चलने की आपको जरूरत है। तो सूर्यदेव 16 सितंबर तक बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। केतु 12वें भाव में बैठे हैं, खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, सितंबर के महीने में आय थोड़ी कम होगी और खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, फिजूल खर्चे ना करें, खर्चों पर आपको लगाम लगाना चाहिए, यदि खर्चों पर यदि आप लगाम लगाते हैं तो फिर स्थिति आपकी बेहतर रहने वाली है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो तुला राशि वालों के लिए सितंबर का महीना बहुत ही टॉप का है, लेकिन एक ग्रह राशि के स्वामी शुक्र की स्थिति बढ़िया नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। 18 सितंबर तक शुक्र का उपाय करना है, स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है, छोटी मोटी यात्राओं से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। उपाय क्या करना है, ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करें, स्त्रियों को जो है प्रसन्न रखें, सहयोग करें, सपोर्ट करें और लाभ देने का काम करें। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है, शुक्र को मजबूत करने का उपाय आप कर सकते हैं और सितंबर के महीने में आप लाभ ले सकते हैं। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें, साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।